हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रश्मि देसाई और उमर रियाज के बारे में। तो गाइज, ये दोनों को एक साथ देखा गया था बिग बॉस सीजन 15 में और फैंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद करा था इनके बॉन्ड को और इनको एक साथ देखना। दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बट कुछ टाइम पहले ये दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था। और फैंस तो आप सब जानते ही हैं, इन सब छोटी छोटी चीज़ों का भी काफ़ी ट्रैक रखते होते हैं, तो उन्हें सब पता चल जाता है। यही चीज़ को लेकर फैंस काफ़ी वरीड हो रहे थे और ये कन्फ्यूज्ड हो रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो क्यों कर दिया, क्या इनमें जो दोस्ती है वो टूट गई। तो इस पर फाइनली उमर रियाज ने खुद बताया है और इस पे जवाब दिया है। तो उनका जवाब ये है कि ये दोनों, उनका ये कहना है कि हम दोनों आपस में हमेशा से ही अच्छे दोस्त थे, बट जो इनके फ़ैन क्लब्स थे वो एक दूसरे के पीछे हमेशा ही पड़े रहते थे। यानी कि रश्मि देसाई के जो फ़ैन क्लब थे वो उमर रियाज को गालियाँ देते रहते थे और उमर रियाज के जो फ़ैन क्लब्स थे वो रश्मि देसाई के फॉलोअर्स फैंस वगैरह के साथ कंट्रोवर्सी वगैरह करते रहते थे। तो इनके जो फ़ैन क्लब्स हैं आपस में लड़ते ही रहते थे और ये सब को देखकर काफ़ी कंट्रोवर्सी वगैरह जनरेट होती थी। और इसी को देखते हुए मीडिया वगैरह या फिर जो नॉर्मल जनता है वो ये सोचती थी कि ये जानकर, बिकॉज इनके फ़ैन क्लब्स हैं, इनके पीआर टीम्स वगैरह ये सब करवाती है कंट्रोवर्सीज करने के लिए, जिससे दोनों लाइमलाइट में रहें, जिससे दोनों पॉपुलर रहें। तो ये सब इश्यूज़ के कारण उन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। और उमर रियाज का ये कहना है उनके पास कभी टाइम नहीं था ये सब चीज़ें क्लैरिफाई करने का, उन्होंने कुछ क्लैरिफाई वगैरह नहीं करा, बट यही सब रूमर्स वगैरह के चलते हुए इस करके उन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। उनका ये कहना है कि भले ही उन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया हो ये सब चीज़ों के कारण, बट स्टिल वो कभी कभी इंस्टाग्राम पर इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को रील्स वगैरह सेंड कर दिए होते हैं, कोडियल रिलेशंस हैं उनके और वो स्टिल दोस्त हैं। तो ये था इनका जवाब जो फैंस पूछ रहे थे उस पर कि क्यों इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया। क्या आप इन दोनों को एक साथ देखना पसंद करते थे? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए दोनों के फैंस के साथ। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।